बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेशो के मुतालिक है। अब इसमें देखें हमने क्या करना है। यहाँ पर देखें, आपको ये एक नंबर नज़र आ रहा है 1:8। क्या नज़र आ रहा है? 1:8। ये जो सिंबल, ऐसे हम रेशो पढ़ते हैं, यूज़ द सिंबल दिस वन। ओके, सपोज वी हैव टू शो द रेशो ऑफ 1 कप टू 8 कप्स। वी हैव टू शो द रेशो ऑफ 1 कप टू 8 कप्स। वी कैन यूज़ द फॉलोइंग वेज। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं 1 कप टू 8। ओके, सबसे पहले तो रेशो क्या बताता है? रेशो इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वैल्यूज। रेशो क्या बताता है? ये एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू और मोर वैल्यूज। ठीक है, रेशोज आर यूज इन डिफरेंट वेज इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, इन कुकिंग वी यूज इन्ग्रीडियंट इन डिफरेंट रेशोज। If half cup of sugar is needed for 4 cups of water, then 1 cup of sugar will be needed in 8 cups of water. तो ये एक रेशो हमारे पास आ जाएगी। इसको हमने कैसे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे 1:8 या 1:8 स्टेटमेंट फॉर्म, या हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/8। देखें, ये रेशो की फॉर्म है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1/8। ओके, इसी तरह नेक्स्ट चलते जाएंगे तो आप यहाँ पर देखें, ये है 4:5 इक्वल टू है 12:15। अब देखें, यहाँ पर देखें, अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या बन गई है? 12/15। तो ये इक्वल है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यही बन जाएगा ना। तो ये दोनों रेशो क्या है? ये इक्वल हैं, इक्वल हैं, ये दोनों रेशो क्या हैं? इक्वल हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास, यहाँ पर एक हाईलाइट किया हुआ बॉक्स है, लेट अस समराइज द फैक्ट अबाउट रेशोज। रेशो कंपेयर्स टू क्वांटिटीज। रेशो क्या करती है? टू क्वांटिटीज को कंपेयर करती है। अ रेशो हैज़ नो यूनिट। जी, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। रेशोज कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन और यूजिंग अ सिंबल दिस वन। इसको एज अ फ्रैक्शन भी राइट किया जा सकता है और एज अ ये सिंबल भी यूज़ किया जा सकता है। रेशो मस्ट बी रिटन इन द लोएस्ट टर्म। टू फाइंड द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज, कन्वर्ट देम टू द सेम यूनिट। उनका यूनिट सेम होना चाहिए। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी एक्सरसाइज में ये बात हमें काम आएगी।